69,000 भर्ती की आज की बड़ी खबर, एनसीबीसी अध्यक्ष और 6,800 मामला क्या है, नियुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, इस वीडियो में पूरे स्पष्ट रूप से बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। तो मनोज प्रजापति ने बताया और उनसे मुलाकात की थी कि तो आज माननीय लोकेश प्रजापति जी ने अपना मुद्दा होली मिलन समारोह में फिर से उठाया है। ऑफ कैमरा बात करने पर उन्होंने पूरे तरीके से आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी पड़ी, तो सबसे पहले मैं बात करने जाऊंगा और आप लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द कराऊंगा। 6,800 लोगों की नियुक्ति मेरी जिम्मेदारी है, कोई परेशान ना हो माननीय लोकेश प्रजापति। मतलब उन्होंने आश्वासन दिया है पूर्ण रूप से कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। तो वहीं पर आश्वस्त हो गए अभ्यर्थी। और उसी दूसरी तरफ कोर्ट ने क्या कहा है, 69,000 से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि एक भी ज़्यादा पद ना हो, जबकि जो 6,800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची विवाद मामले में डबल बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर लगाई मोहर। जो 6,800 की जो लिस्ट आई है वो विवादित हो गई है। अब जान लेते हैं पूरी खबर क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2022 के एकल पीठ के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक सहायक शिक्षक के रूप में 6,800 अतिरिक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के निर्णय पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने एकल पीठ के निर्णय को सही माना। एकल पीठ ने बीती 27 जनवरी को आदेश में कहा था कि यूपी सरकार वर्ष 2018 में विज्ञप्ति 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इस आदेश को एक अभ्यर्थी ने डबल बेंच में विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने राहुल कुमार की अपील पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को उचित करार दिया। खंडपीठ ने कहा है कि 27 जनवरी के आदेश में ऐसी कोई अवैधता नहीं है जिससे कि इसमें दखल दिया जाए। खंडपीठ ने एकल पीठ से ऐसे सभी मामले यथासंभव जल्द निस्तारण का अनुरोध भी किया है। इस आदेश के साथ अपील निस्तारित कर दी गई है। इस मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क था कि उन्होंने सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए वे अनारक्षित पदों के लिए विचार करने और चुने जाने के हकदार हैं। राज्य ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर फिर से विचार किया और 6,800 उम्मीदवारों की नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, इसे ही डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। तो ये सारा का सारा मैटर था। और अब आने वाले टाइम में जो भी खबर निकल कर आएगी शिक्षा भर्ती संबंधित, उस पर सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप लोगों को तो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है, उनसे भी द्वारा जो भी कोई मीटिंग होगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो गेट गोल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक टेक गुड बाय।